प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे मूलांक चार और भाग्यांक छह के बारे में, यानी कि एक तरफ राहु और दूसरी तरफ है शुक्र। प्यारे मित्रों, यही वो नंबर है जो इनके लिए सोने की चिड़िया का काम करेगा। नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट अश्विनी गौतम, और अपने आज के इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे मूलांक चार और भाग्यांक छह के बारे में। मैं आपको इस कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी दूं, उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स जरूर करें, हमें अपने सुझाव जरूर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँच सके। मूलांक चार और भाग्यांक छः, यानी कि एक तरफ राहु और दूसरी तरफ है शुक्र। वैसे कहा जाता है कि शुक्राचार्य जो थे वो राहु के गुरु थे, इसलिए कभी उनको गलत गाइड नहीं करते थे। इसलिए चार छह की एक खास बात रहती है, ये चाहे जितना मर्जी दिमाग से तेज चले, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्राचार्य इनको सही डायरेक्शन दिखाने में इनकी मदद करते हैं, यानी कि इनकी डेस्टिनी इनको सही डायरेक्शन दिखाने में इनकी मदद करती है। और चूंकि राहु दिमाग से बहुत तेज होता है तो इनका दिमाग तो बहुत तेज चलता है, परंतु इनकी डेस्टिनी इनको लग्जीरियस लाइफ की तरफ लेकर जाती है। इनका दिमाग मेहनत करना चाहता है, लेकिन इनकी जो पर्सनल लाइफ है इनको लग्जीरियस लाइफ की तरफ लेकर जाती है। कई बार ये भी कहा जाता है कि चार छः के जो लोग होते हैं वो लग्जरी पसंद होते हैं, उन्हें ओपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, और वो लोग लाइफ को वो मेहनत भी करना चाहते हैं और लग्जरी को जीना भी चाहते हैं। लाइफ में स्ट्रगल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से लाइफ को एंजॉय कर ही लेते हैं ऐसे लोग, जो चार छह के लोग होते हैं। अगर हम इनको नंबर पांच दे दें तो ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था महालक्ष्मी और महाभाग्य योग का, तो ये कॉम्बिनेशन है जिसमें ये महालक्ष्मी योग बनेगा। चार पांच और छह का कॉम्बिनेशन, अगर आप इनको पांच दे देते हैं तो ये एक महालक्ष्मी योग बन जाता है, जिसकी वजह से ना तो आपको कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी, ना कभी आपकी मैरिटल लाइफ में समस्याएं आएंगी। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है, तो इन्हें चार और छह वालों को पांच जो है वो सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। प्यारे मित्रों, यही वो नंबर है जो इनके लिए सोने की चिड़िया का काम करेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक चार और भाग्यांक सात के बारे में। और प्यारे मित्रों, अगर आप भी जिंदगी की किसी समस्या से परेशान हैं और जिंदगी में कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हम हैं ना, हमें कॉल कीजिए हमारे नंबर्स पर और हमसे बात कीजिए। और अगर आप भी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, पामिस्ट्री, वास्तु, रेकी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आइए हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में फिर चार और सात के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।